नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निखिल। थिंग्स लेट्स गो में आप सभी का स्वागत है। तो अभी दोस्तों हम अंजनगांव में, और अंजनगांव से हम जाने वाले हैं खीरपानी, जिसको कहते हैं गरजदरी। तो यहाँ से जो गरजदरी स्पेस है उसको जाने के पहले हमको जाना होता है दहीगांव। तो दोस्तों ये जो अंजनगांव सुर्दी जो प्लेस है, ये महाराष्ट्र में आता है, और महाराष्ट्र में अमरावती डिस्ट्रिक्ट में ये तालुका प्लेस अंजनगांव सुर्दी। तो अंजनगांव सुर्दी से 6 किलोमीटर हम दहीगांव जाएंगे, फिर दहीगांव से हम खीरपानी जाएंगे। और यहाँ पे जो खीरपानी जो प्लेस है, यहाँ पे बहुत ही सारा एंजॉयमेंट हम करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी ग्रीननेस है और उसका भी हम आनंद लेंगे। वहाँ पे पहाड़ है, और साथ ही साथ वहाँ पे जो नदी बहती है, जो वाटरफॉल का जो जल आता है, उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज का जो सफ़र है बहुत रोमांटिक और एंजॉयफुल होने वाला है। दोस्तों अभी हम सबसे पहले 6 किलोमीटर जो हमारा डिस्टेंस है, यहाँ से हम दहीगांव जाते हैं। तो यहाँ पे आप पेट्रोल पम्प से टर्न हो करके आप यहाँ पे एक गेट लगता है, वहाँ से आप दहीगांव जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आपको जो दहीगांव है वहाँ से हमको गुजरना है, तो हम आपको पूरा दहीगांव दिखाते हुए अपने खीरपानी प्लेस की तरफ निकलते हैं। तो गरजदरी इज अ वेरी स्पेशल पार्ट ऑफ द अंजनगांव सुर्दी इन महाराष्ट्र। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से दहीगांव से जो गरजदरी प्लेस है वो 3 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों जाते जाते हमें कुछ दोस्त मिले हैं, छोटे बच्चे, उनको हाय हेलो बाय करके यहाँ से निकल गए। दोस्त यहाँ पे बहुत ही मजे करते हैं। तो जाते जाते आपको छोटे बच्चे भी मिलेंगे, तो आप उनके साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से अपने जो लक्ष्य है गरजदरी की तरफ जा रहे हैं। वो जो प्लेस है वहाँ पे बहुत ही सुंदर ग्रीननेस है, वहाँ पे पानी के तालाब भी है, और वहाँ पे एक मंदिर भी है, तो हम वो भी देखेंगे। और वो आपको जो पहाड़ है, यहाँ का जो पहाड़ है वो भी देखेंगे। तो जाते जाते हमें यहाँ पे एक नाला लगता है जहाँ से पानी बहता है। तो अभी तो थोड़ा सा पानी कम है, तो इसलिए हम जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा पानी ज़्यादा होने के कारण हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये देख कर ही यहाँ पर आना है। दोस्तों यहाँ से आपको सिर्फ 3 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, तो अभी हम अपनी जो हमें जिस प्लेस पे जाना है हम वहाँ पे जा रहे हैं। अगर आप यहाँ से मुड़ते हैं तो यहाँ से आप धरन है, उस धरन पर भी जा सकते हैं। तो अभी हम अपना जो लक्ष्य है जहाँ पे हमको जाना है गरजदरी, जिसको ही दूसरा नाम है खीरपानी नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों अभी हम जाते हैं खीरपानी की तरफ। तो दोस्तों खीरपानी जाते समय आपको ये ध्यान देना है कि आप जो भी बाइक से भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर टर्निंग पॉइंट ज़्यादा आते हैं, तो आपको उस समय आपको अपनी बाइक को अच्छी तरह से चलाना है, कार को अच्छी तरह से चलाना है। यहाँ पे बहुत ही ग्रीननेस है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो दोस्तों जिस प्लेस का हम इंतजार कर रहे थे वो खीरपानी, हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे महाकाली मंदिर है। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा सारी गवर्नमेंट की सूचना भी लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो है रात के समय में चीता और भालू यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, टाइगर भी आते हैं, इसलिए आपको रात के समय पर यहाँ पे 7-8 बजे के बाद आपको इस प्लेस पे नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भालू की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे बच के रहना चाहिए।
तो दोस्तों ये यहाँ पे हम हनुमान जी का मंदिर है, तो सबसे पहले हम हनुमान जी जी के दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक कुआं भी है, तो वहाँ से आपको स्नान करना है या जल पीना है तो आप उस कुएं से पानी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो कुआं है ये 24 आवर्स, माना यहाँ का जो पानी है ये कभी भी सूखता नहीं है, बहुत इस कुएं को पानी है। यहाँ पे एक तुलसी भी लगी है, तो आप यहाँ पे नमन करना चाहिए। तो ये जो कुआं है यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पर स्नान करते, एक भाई ने गाड़ी लिया तो उसने हमें प्रसाद दिया है। तो देखिए दोस्तों कितना डीप कुआं है, तो इसमें से जो पानी है वो समर का सीज़न हो या विंटर हो तो हर समय इस कुएं में पानी रहता है। दोस्तों आप जब यहाँ पे आप शहरी इलाके से यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे बहुत ही आपको साइलेंस महसूस होता है, बहुत ही अच्छा प्लेस है। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे जो देवी माता का जो मंदिर है वहाँ पे हम देवी माता का दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों ये जो मंदिर है बहुत पुराना मंदिर है, महाकाली जी का मंदिर है। उसके बाजू में अंबा देवी का मंदिर है जिसको आदिशक्ति मरी माता भी कहा जाता है। तो दोस्तों अभी हम दर्शन करने के बाद यहाँ का जो प्लेस है वो देखने के लिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा ग्रीनरी है, तो दोस्तों ये जो प्लेस है यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। दोस्तों यहाँ जो ये जो प्लेस है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बहुत सारी मन्नतें मांगी जाती है, यहाँ पे लोग टिफिन साथ में लाते या तो फिर यहाँ पे खाना बनाते, और यहाँ की सबसे ज़्यादा बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पे रोडगे बनाते जो विदर्भ के काफ़ी फेमस माने जाते हैं, और यहाँ पे रोडगा पार्टी सबसे ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर जाते हैं तो वहाँ पे एक वाटरफॉल है, तो वो वाटरफॉल का जो पानी है इस नदी से बहता हुआ आगे तरफ जाता है। तो दोस्तों अभी तो थोड़ा बारिश कम हुई है उसके कारण यहाँ पे इतना पानी नहीं है, लेकिन जैसे ही बारिश का समय शुरू हो जाता है तो वाटरफॉल जैसे ही बहने लगता है तो यहाँ से ये पानी आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप आकर के मदद मांग सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ के जो विदर्भ का जो फेमस एरिया है जो रोडगा पार्टी आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जब गणपति का सीज़न होता है या देवी माँ का सीज़न होता है तो गणपति के भक्त या देवी माँ के भक्त यहाँ पर आकर के बहुत सारा एंजॉयमेंट करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, यहाँ पे झूला लगाते और अपने जीवन का आनंद लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे स्नान भी कर सकते हो। तो दोस्तों इतना सारा होने के बाद दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। दोस्तों जब ये नदी बहती है तो हम यहाँ पे बहुत अच्छे से स्नान कर सकते हैं, बहुत ही रोमांटिक एरिया है दोस्तों, बहुत ही हरियाली है। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिए। धन्यवाद।